2024 से पहले सभी दल अपने तर्कश में उपयोगी तीर इकट्ठे कर रहे हैं। जहां विपक्ष आपसी अंतर्कलह से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए सधी हुई चाल आगे बढ़ा रही है। विपक्ष आपसी एकता को हकीकत में बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भाजपा अपनी सधी हुई चाल से विपक्ष को मुसीबत में डाल रही है। भाजपा कश्मीर से लेकर दक्षिण तक ऐसा चुनावी समीकरण सेट करने में लगी है जिसकी चोट से विपक्ष के सभी दल धराशाही हो जाएं। विकास से लेकर जाति तक गठबंधन के हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। बताते हैं आपको पूरी खबर तफसील से। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त के बाद अब संगठन 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया। खबरों के मुताबिक सूत्रों की माने तो कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए इच्छुक है। इसके आसार इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हाल ही के घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए तो कई बेहद जरूरी मुद्दों पर जेडीएस ने बीजेपी का साथ दिया है। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे के बाद जेडीएस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। इतना ही नहीं, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जब ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रही थी, उस समय देवगौड़ा उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। कर्नाटक में बीजेपी के नजदीक आने की जेडीएस के पास कई वजह हैं। दरअसल जेडीएस कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये 4 सीटें हैं मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 में से 25 सीटें जीती थी। मांड्या से जीतने वाली सुमलता अम्बरीश ने बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया था। इस चुनाव में जेडीएस सिर्फ एक सीट हासन भी जीत सकती थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा तक चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9.67% वोट मिले थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में जेडीएस को 13.29% ही वोट मिले और पार्टी की सीटें घटकर 19 रह गईं। खबरों के मुताबिक बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जमीन खिसकने के बाद अब जेडीएस के लिए अपने अस्तित्व को बचाना बड़ी चुनौती है। इसके लिए वो बीजेपी के कंधों पर लड़ाई लड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, बीजेपी को जेडीएस की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकलने के बाद लोकसभा पार्टी के सामने 25 सीटों को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए दोनों पार्टियों का मानना है कि एक साथ आने में वो कांग्रेस को न सिर्फ चुनौती दे सकते हैं बल्कि आसानी से पटखनी भी दे सकती हैं। वहीं कर्नाटक के अलावा बिहार, पंजाब, यूपी से लेकर दूसरे कई राज्यों में बीजेपी की बात उनके पुराने सहयोगियों से चल रही है जो पहले एनडीए में शामिल थे। उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से लेकर ओपी राजभर की पार्टी और अकाली दल के अलावा बिहार में मुकेश साहनी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी बीजेपी के संपर्क में है। ये दल बीजेपी के साथ आकर 2024 के चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। विपक्ष जहां विपक्षी एकता पर फोकस कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी हर राज्यों में अपने छोटे दलों को अपने साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग में लगी है। ऐसे में विपक्ष चाहे कितनी भी विपक्षी एकता बना ले, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।